CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियाँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक संवेदनशील सेनानी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। इनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। केशव बलिराम हेडगेवार उस समय 8 वर्ष के थे। केशव के विद्यालय में उस दिन खूब रौनक थी। Your attention, please. Children are requested to be in their respective classes. It's a wonderful day today. We are celebrating 60 years of Her Majesty Queen Victoria's reign. पूरे 60 वर्ष हो चुके हैं हमारी महारानी को गद्दी संभाले हुए। What a lovely day it is. Get into your classes now. Come on, come on. चलिए, चलिए अपनी क्लासेस में चलिए। चलो, चलो। सर, आइए, आइए, प्लीज, प्लीज, आइए सर, अंदर आइए, प्लीज। ऑल राइट, बच्चों। सर का स्वागत करो। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 60 इयर्स ऑफ हर मैजेस्टी क्वीन विक्टोरियाज रीन। फील ब्लेस्ड टू विटनेस दिस डे। इट माइट नॉट कम इन योर लाइफ एवर अगेन। रिजॉइस चिल्ड्रन, रिजॉइस। बच्चों पता है आज महारानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष पूरे हुए, इसलिए विद्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है। आतिशबाजी होगी, मिठाई मिलेगी। हाँ हाँ, अच्छा एक काम करो, सब बच्चे लाइन लगा लो। हाँ लगा लो लाइन, शाबाश। इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, इस तरफ इकट्ठे हो जाओ। हाँ शाबाश, एक लाइन में जाओ, एक लाइन में। हाँ शाबाश। हाँ तो अब ये लो। केशव तुम आ गया हो, पीछे क्यों खड़े हो? मैं नहीं खाऊंगा मिठाई। केशव मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। What's going on? क्यों भाई, तुम क्यों नहीं खाओगे मिठाई? ये मिठाई हमारी महारानी की नहीं है। Blasphemy! Who are you to deny the gifts of the queen? मैं इसे नहीं खाऊंगा। This will not be tolerated. अरे कह दिया ना, नहीं खाऊंगा। This is an insult to her highness. बेटा खा लो मिठाई। देखो ये महारानी विक्टोरिया का अपमान है। लो चुपचाप मिठाई खा लो, वरना सजा मिलेगी। हाँ समझो, समझो मेरी बात। कह दिया ना एक बार, मुझे नहीं चाहिए ये मिठाई। All right, I will teach him a lesson. Guard, guard, sir, come here. Seize this brat at once and set him straight. ये हमारी महारानी नहीं है। तूने कैसा मना किया मिठाई खाने को? मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। तुम चुप। मुझे गाड़ी से नीचे उतारो। चलो, चलो, छोड़ो मुझे। Now you learn. छोटा सा बालक और इतनी देशभक्ति। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। इनके पिता का नाम बलिराम पंत हेडगेवार और माता का नाम रेवतीबाई था। परिवार में 2 बड़े भाई और 3 बहनें थीं। जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और कुछ वर्ष पश्चात बड़े भाई भी नहीं रहे। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इस संघर्षमय जीवन में उनकी हिम्मत और धैर्य सदैव उनके साथ रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने बचपन से ही एक सपना अपने मन में बसाया था, परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाना। सन 1907 की बात है, वे केवल 17-18 वर्ष के थे। उनके विद्यालय में हर वर्ष की तरह पर्यवेक्षण कार्यक्रम चल रहा था। निरीक्षक महोदय एक कक्षा में गए। बच्चों, निरीक्षण के लिए अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, आप सब तैयार हैं ना? जी सर।
बिल्कुल तैयार हैं। What's going on here? What is this? Stop it! What's going on? Stop it! Stop it, I said! Teacher! Sir, फिर ऐसा नहीं होगा, सर। I won't tolerate this kind of indiscipline. सर, आप रुके तो सही, सर, please, सर, सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो, आप सभी अपनी गलती मानकर माफी मांग लो, मान जाओ मेरी बात। No, teacher, this won't cut it. The school management committee must expel this unruly, indisciplined students at once. You understand? वंदे मातरम। अरे माफी मांग लो केशव हेडगेवार। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो विद्यालय प्रबंधन समिति तुम्हें निकाल देगी। सर, यदि मातृभूमि की आराधना अपराध है तो ये अपराध मैं एक बार नहीं अनगिनत बार करूंगा और इसके लिए मिलने वाली सजा को सहर्ष स्वीकार करूंगा। Who's that eyesore of a boy? Get him out of my sight. Absolutely, sir. This boy is Keshav Hedgewar. Don't worry, I will get him out. Hey you, Keshav! Vande Mataram! No, get out! Vande Mataram! Come on, come on! Chalo, mujhe! Chalo! Come on, Vande come on! Vande Mataram! Get out! Chalo, mujhe! Vande! इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने एक वर्ष तक किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं की। एक साल स्कूल से बाहर रहने के बाद पुणे में अमरावती स्कूल में दाखिला लिया। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में उन्हें सहयोग दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और परिवार का पालन पोषण भी किया। अपनी मेहनत और लगन से वे डॉक्टर बने। सन 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक नया संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका उद्देश्य था स्वयं आगे बढ़कर अपने निजी स्वार्थ छोड़कर देश का काम करने वालों को तैयार करना। डॉक्टर हेडगेवार का विश्वास था ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते ही राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में उत्थान हो सकता है। सन 1929 की घटना है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी नागपुर आए थे। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने कार्यालय में उन्हें आमंत्रित किया। केशव जी, आपके कार्यालय में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मालवीय जी, आप हमारे इस छोटे से कार्यालय में आए, हमारा सौभाग्य है, पधारिए। बड़े परिश्रम से काम करते हैं आप सब। निश्चय ही, जीवन में परिश्रम और लगन, ये दोनों ही बेहद अहम हैं। परिश्रम, लगन और धन भी। इस टूटे फूटे भाड़े में कैसे काम कर रहे हैं लोग? लगता है धन की कमी है। पंडित जी, पंडित जी। कहाँ खो गया? जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत अच्छा भिखारी हूँ। यदि आप चाहें तो आपके लिए याचक वृत्ति से कुछ धन संचय कर सकता हूँ। मालवीय जी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। हाँ? आवश्यकता है तो आप जैसे महानुभावों के आशीर्वाद की। जीवन में परिश्रम, लगन और देश प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है, धन जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, मन प्रसन्न हो गया आपके विचार जानकर। मैं जहां भी जाऊंगा आपके विचार सभी को बताऊंगा। जहां आजकल लोग धन की ओर पहले ध्यान देते हैं और मनुष्य की ओर बाद में, वहीं आप पहले लोग एकत्रित करते हैं, बाद में पैसे की चिंता करते हैं। मालवीय जी, आखिर यही तो होता है मानव धर्म। बहुत प्रभावित हुआ मैं आपसे। सामाजिक सेवा के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। डॉक्टर हेडगेवार की सोच इस संदर्भ में अलग ही थी। एक बार एक अनाथालय के प्रमुख ने डॉक्टर हेडगेवार को अपने अनाथालय आने का निमंत्रण दिया।
आइए आइए हेडगेवार साहब, नमस्कार। इस अनाथालय में आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। आपने मुझे अपने अनाथालय में आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ आए हमारा अहोभाग्य। आइए बैठिए। जी धन्यवाद आपका। आप भी बैठें। और बताएं, देश हित और समाज सेवा का कार्य कैसा चल रहा है? बस आपकी दुआ है। चाय? जी आप भी लें। चाय बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, मैं इस अनाथालय का प्रमुख हूँ। अपनी संस्था के विषय में आपकी राय लेना चाहता हूँ। आपके सामाजिक कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी संस्था का निरीक्षण मैंने किया है। बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ हाँ कहिए। मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो अगर अनाथालय खोलने की अपेक्षा हम कुछ ऐसा कर पाएं कि समाज में कोई भी अनाथ बने ही ना। समाज की स्थिति हमें ऐसी बनानी चाहिए कि कोई भी स्वयं को अनाथ महसूस ही ना करे। किसी के ऊपर अगर कोई विपत्ति आ भी जाए तो उसका अपना पड़ोसी स्वाभाविक रीति से उसकी देखभाल के लिए अपने आप आगे आ जाए। अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। वाह, हम ये कर सकें तो समाज एकदम बदल जाए। हमारा देश, हमारा समाज, हम सब कितने खुश रह पाएंगे। ये एक ऐसे सहृदय समाज सेवी थे जो अंग्रेजों के प्रति अत्यंत कठोर थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने वाले इस स्वतंत्रता सेनानी ने बड़े स्वाभिमान और सिद्धांतों पर अडिग रहकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। आइए सुनते हैं उनके जीवन का एक और प्रसंग। एक दिन केशव बलिराम अपने कुछ मित्रों के साथ सिविल लाइंस की ओर घूमने जा रहे थे। ध्यान रहे कि ये देश हम सबका है। बिल्कुल। हाँ। और हम सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल। अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलानी है और वो भी एक साथ मिलकर। बिल्कुल सही कहा तुमने। इन अंग्रेजों को हम एक दिन चढ़ से उखाड़ फेंकेंगे। सामने तो हैं हमारे ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केशव सुनो, हमें उधर से निकल जाना चाहिए। क्यों, क्या बात है? देखो ना सामने डिप्टी कमिश्नर साहब, अफसरियत आ रही है, अफसरियत। ये हर भारतीय से सलाम की अपेक्षा रखते हैं। सलाम प्रेमी है, सलाम प्रेमी। वो सलाम प्रेमी है तो हम देश प्रेमी हैं। हम अपने रास्ते पर ही चलेंगे। इनकी वजह से हम अपना रास्ता नहीं बदलने वाले। हाँ सही कहा। चलो चलते हैं। सही, चलो चलो चलो। हाँ यहीं चलो, यहीं चलो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। क्या तुमको ये नहीं मालूम कि यूरोपियन को सलाम करना चाहिए? सलाम? यस। मैं यूरोपियन को सलाम? यस। मैं ऐसी किसी भी रीति को नहीं जानता जहां सलाम ठोकना जरूरी है। हर स्वाभिमानी व्यक्ति इस जी हुजूरी और गुलामी से घृणा करता है और मैं ऐसा ही हूं। यू इंडियन? हां मैं इंडियन। हम सब भारतीय ऐसे ही हैं। बिल्कुल ठीक कहा केशव, हम सलाम नहीं करेंगे। हम सब केशव के ही साथ हैं और हम सलाम नहीं करने वाले। हम नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। I will see you all. हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर हेडगेवार के इस निर्भीक उत्तर से डिप्टी कमिश्नर महोदय स्तब्ध रह गए और इधर एक ही सवाल डॉक्टर हेडगेवार के मन में बार बार उठता था, क्या हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकते? जीवन का इससे बड़ा सदुपयोग क्या होगा कि राष्ट्र को संगठित कर राष्ट्रीयता का प्रसार किया जाए?
अपने जीवन काल में स्वतंत्र भारत का सपना भले ही वो पूरा ना कर सके, पर देश के लिए उनका त्याग, उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक संवेदनशील सेनानी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर मंजुला माथुर, कलाकार वैभव श्रीवास्तव, कीमती आनंद, ममता मलकानी, किशोर सहजानी, सुनील लोहिया, तारक, आकाश आहूजा और बाल कलाकार निशांत। ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।